ये बच्चा देवेन अभी 9 इयर्स का है। ये लगभग 2.5 साल पहले मेरे पास इसके मम्मी पापा लेकर के आए थे और इस बच्चे को थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम आ रही थी और उस समय इस बच्चे का राइट आई में जो नंबर आया था चेकिंग के बाद स्फेरिकल प्लस 0.5 और सिलेंड्रिकल प्लस 1.25। लेफ्ट आई में स्फेरिकल 0.5 एंड सिलेंड्रिकल 1.5 एंड इस के साथ में हमने इनको दवा देनी शुरू की और श्रेय तो जाता है इनकी मम्मी पापा को क्योंकि इन्होंने जो है बहुत अच्छे लग करके जो है इसको आयुर्वेदिक दवा देते रहे और देखिए बीच में कई बार मुझे मिले भी हैं और आज लगभग 2.5 साल 2.5 साल हो गया तो 2.5 साल बाद अब ये चेक करा करके आए हैं तो इनको स्फेरिकल नंबर राइट आई का भी खत्म हो गया, लेफ्ट आई का भी खत्म हो गया। सिलेंड्रिकल नंबर जो इन जनरल हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत कम घटता है तो 1.25 जो राइट में था वो केवल 0.5 रह गया, लेफ्ट में जो 1.5 था वो केवल अब 0.5 रह गया और एक्सिस भी ठीक हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी बच्चे को 6 इयर्स की एज में या 7 इयर्स की एज में इन जनरल स्पेक्स लगते हैं तो अक्सर हम देखते हैं हर 6 महीने बाद उस बच्चे का नंबर जो है चश्मे का बढ़ता चला जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो जब 14-15 साल का होता है तो बहुत बड़े बड़े नंबरों के साथ चश्मा पहन रहा होता है। लेकिन अगर आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बड़ी सिंपल है जो बड़ी सेफ है बच्चे की ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट करती हैं, आप देखेंगे ये बच्चा है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसको जो ये मेडिसिन चली है उसके साथ में आप देखो कफ कोल्ड वगैरह कुछ नहीं होना इसको, कोई बीमारी नहीं, इसको मतलब इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरह की मेडिसिन अगर आप कराते हैं बच्चों की जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं तो डेफिनेटली टाइम तो 1-2 साल लग सकता है लेकिन ये भी संभावना है कि अगर नंबर सिलेंड्रिकल नहीं है स्फेरिकल है तो चश्मा उतर जाएगा। ये बच्चा आपके सामने एग्जाम्पल है तो इसलिए आंखों की दिक्कत के लिए भी बच्चे स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब चश्मा लग जाए तो चश्मा लगवा दीजिए लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में खिलाइए सो दैट बच्चे जो है उस चश्मे से बाहर आ सकें, उनकी आंखें बिना मतलब बड़े बड़े नंबरों के साथ बोझ में ना दब जाए। थैंक यू।